गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या था, तीसरा पार्ट था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकल रहा था, क्या हो रहा था, उसमें कैसे डिप्रेशन आ रहा था, वो सब चीज़ें हमने आपको डिस्कशन करके बता दी थी। ठीक है, अब हमें क्या डिस्कस करना था, नोट्स। ठीक है, जो नोट थे, कुछ पॉइंट्स थे, वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं सारा पॉइंट पढ़ देता हूँ, एक एक करके पढ़ूंगा, एक एक करके लिखवाता जाऊँगा। ठीक है, इक्वीमोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन द सेम सॉल्वेंट विल शो सेम फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी इक्वीमोलर सॉल्यूशन हो जिसका सॉल्वेंट क्या हो, सेम हो। कोई भी इक्वीमोलर सॉल्यूशन हो जिसका सॉल्वेंट सेम हो, ठीक है, उन सब का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, उनमें सॉल्यूट मिलाने के बाद, ठीक है, उनमें कोई भी सॉल्यूट मिला दीजिए, ठीक है, विल शो सेम फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड। अब क्या हो रहा है, उन सॉल्वेंट में उन सॉल्वेंट में कौन से सॉल्यूट मिलाए जाते हैं ये उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया हमारा भैया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, द सब्सटेंस विच इज एडेड इन वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। अब क्या होता है, जो हम लोग एजेंट जो भी सब्सटेंस ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर में या फिर जो कोई भी सॉल्वेंट, उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करने, कम करने के लिए, उन सब्सटेंस को एंटी फ्रीजिंग एजेंट बोला जाता है। उन सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स बोला जाता है। अगला, इथिलीन ग्लाइकोल कॉमनली एडेड टू द कार रेडिएटर और व्हीकल डिफरेंस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन जीरो सब जीरो वेदर। अब क्या होता है, कार होता है, ठीक है, कार है, उसमें आपके मोबिल पड़ते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, मोबिल कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो मोबिल पड़ते हैं, जो फ्लूइड लुब्रिकेंट पड़ता है उसमें क्या होता है, एक तो नॉर्मल होता है, ठीक है, एक नॉर्मल होता है, एक सेमी सिंथेटिक होता है, एक क्या होता है, सिंथेटिक होता है। ठीक है, तो अब नॉर्मल वाला, जैसे हम क्या है, हम यूपी में रहते हैं, गोरखपुर के हैं टीचर, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे लिए नॉर्मल सही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में क्या होता है ना, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं आता है या फिर रैपिडली नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, हिमाचल चल जाएं, ठीक है, किसी हिल स्टेशन चल जाएं अपनी कार से लेके, तो हमको वहाँ पे क्या होगा, या तो सिंथेटिक डलवाएं या सेमी सिंथेटिक डलवाएं, क्योंकि क्या हो रहा है, वहाँ पे हम कार चलाएंगे तो क्या, मेरी कार पहले तो पूरी ठंडी थी, उसके बाद क्या होगा, अचानक से क्या होगा, गर्म होने लगेगी जब हम उसको चलाएंगे, क्या हो रहा, तो टेम्परेचर में क्या हो रहा, डिफरेंसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हम सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक यूज़ करेंगे। अब जो सुपर कार्स होती हैं, ठीक है, जो सुपर कार्स होती हैं, जो रेसर्स यूज़ करते हैं, उसमें फुल्ली सिंथेटिक ऑयल पड़ता है, फुल्ली सिंथेटिक लुब्रिकेंट पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि उनकी जो कार होती है ना, नॉर्मली खड़ी है, ठीक है, अब जब उन्होंने चलाना शुरू किया ना, तो 5-10 मिनट में उनकी कार क्या होती है, गर्म हो जाती है, तो उसमें ये सिंथेटिक यूज़ होता है, ताकि उनकी कार गर्म हो तो जल्दी ठंडी हो। ठीक है, तो क्या हो, उनकी इफ़िशेंसी बढ़ जाए। अब देखिए क्या होता है ना, इस फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करना है, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए क्या करते हैं लोग, अलग अलग टाइप के इंजन्स बनते हैं। ठीक है, जैसे अब कुछ इंजन्स बनते हैं क्या, एलॉय से बनते हैं, ठीक है, एलॉय बोल रहा हूँ मैं, एल्यूमिनियम से बनते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ क्या करते हैं, एलॉय मिक्स करके बनवाते हैं, बनता है कई कंपनीज़ में। अब क्या होता है, कुछ कंपनीज़ में क्या होता है कि सिल्वर से, गोल्ड से बनता है, जैसे मैकलेरन, जो मैकलेरन कार कंपनी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो उसके इंजन्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या होता है, गोल्ड से बनता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, उनके जो इंजन्स होते हैं वो गोल्ड के बने होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, अलग अलग टाइप की अलग जब चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जैसे कार इंजन्स में हमें क्या होता है, बोल रहा है, द सब्सटेंस द इथाइल ग्लाइकॉल। अब जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर क्या करता है, मेन काम वही करता है, इंजन को ठंडा करने में। ठीक है, तो उसके जो पानी उसमें पड़ता है, ठीक है, जो उसमें पानी पड़ता है, उसमें हम इथाइल ग्लाइकॉल मिक्स करके डालते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब जीरो से नीचे जाएगा ना, तो वो पानी क्या होता है, फ्रीज नहीं होता है।
ठीक है, वो पानी क्या होगा, फ्रीज नहीं होगा। रेडिएटर में हम नॉर्मल पानी डाल देते हैं। अब हम गोरखपुर में हैं, ठीक है, तो हम रेडिएटर में नॉर्मल पानी डाल के चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हिल स्टेशन पे हैं या आपकी रेसिंग कार है तो क्या होता है, लोग उसमें रेडिएटर में पानी के साथ क्या करते हैं, इथाइल ग्लाइकॉल एक फिक्स रेशियो में मिला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंजन में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल्सो यूज इन द पेनिट्रेशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ आइस ऑन एरोप्लेन विंग्स अंडर द नेम ऑफ प्रेस्टन। अब क्या होता है, कुछ ऐसे ही लिक्विड्स होते हैं एरोप्लेन के विंग्स पे, क्या होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है, एक लेयर चढ़ा होता है। क्यों चढ़ा होता है, देखिए, अब क्या होता है ना कि हम यहाँ से हमारी एरोप्लेन चलना शुरू हुई, ठीक है, हमारी एरोप्लेन क्या हो रही है, एक सर्टेन हाइट तक जाती है। आपको पता है जैसे जैसे हम क्या होता है और सरफेस से ऊपर जाते रहेंगे जाएंगे तो क्या होता है, वहाँ पे ठंड बढ़ती जाती है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता जाता है, गिरता जाता है। अच्छा, टेम्परेचर एक बैग डाउन हो रहा है, गर्म से क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो वहाँ पे विंग्स पे क्या होता है, बर्फ़ जमने लगती है, ठीक है, बर्फ़ जमने लगती है। अगर बर्फ़ जम जाएगी तो क्या होता है, जो मान लीजिए अपना चेंज करता है पोजीशन या फिर जो स्पीड है वो क्या हो, उसमें क्या होता है, बहुत सारे असर पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए उसमें क्या होता है, ऐसे ही क्या हो, प्रेस्टोन टाइप का क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसका एक लेयर क्या होता है, उस एरोप्लेन के विंग्स पे लगाया जाता है, फ्रंट पे लगाया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें क्या हो, बर्फ ना जमे, ठीक है। आगे, NaCl और CaCl2 आर एनहाइड्रस आर ऑल्सो यूज टू क्लियर द स्नो ऑन द रोड बिकॉज इट डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब क्या होता है, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, ठीक है, अब वहाँ पे बर्फ़ पड़ रहा है, चारों तरफ बर्फ़ पड़ रही है, अब क्या रोड पे भी बर्फ़ पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि रोड छोड़ देगा, रोड पे भी बर्फ़ पड़ रही है, तो अब क्या होता है ना कि रोड के बर्फ़ को काट काट के हटाना या फिर थोड़ा थोड़ा करके हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, NaCl को एक पानी में घोलते हैं, ठीक है, या CaCl2 को खोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, उस बर्फ़ पे छिड़काव किया जाता है, ठीक है, तो वो बर्फ़ ऑटोमेटिकली आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटे के अंदर वो पिघल जाता है, ठीक है, वो पिघल जाएगा, उसका पानी क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है, रोड क्या होता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि NaCl या कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, एनहाइड्रस सिग्नेचर होता है, उनका नेचर कैसा होता है, एनहाइड्रस होता है, ठीक है। अब एनहाइड्रस है तो क्या करता है, वो जिस सॉल्यूशन में यानी जिस वाटर में, हम लोग आइस एक तरह का वाटर है, उस वाटर में जब मिक्स हो जाता है तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घटा देता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट घटा देता है, 0 डिग्री सेल्सियस था और कम कर देगा, 15 माइनस 15 कर देगा, -25 कर देगा, ठीक है, गिरा देता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पानी मेल्ट हो जाता है, ठीक है। ये सब कुछ यूजेस हैं, मैं यूजेस को सारे को लिख रहा हूं क्योंकि ये यूजेस आपको लिखने पड़ेंगे, नोट डालिए और लिखना शुरू करिए। Upon the nature of solute,
देयरफोर इट इज अ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला है हमारे पास द सब्सटेंस विच इज एडेड इन वाटर टू लोअरिंग इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ठीक है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। अगला है इथिलीन ग्लाइकॉल कॉमनली एडेड टू द कार रेडिएटर और व्हीकल्स व्हीकल्स टू डिफरेंस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सब जीरो वेदर। ठीक है, ये 3 पॉइंट नोट करिए, अभी 2 पॉइंट और बचे हैं, नोट करिए जल्दी से इसको। ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिटेशन प्रिटेशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ आइस ऑन एरोप्लेन विंग्स अंडर द नेम प्रिस्टोइन। ठीक है, अगला है NaCl और CaCl2 एनहाइड्रस होता है, ये लिखते हैं एनहाइड्रस आर ऑल्सो यूज्ड टू क्लियर द स्नो
ऑन द रोड, ऑन द रोड बिकॉज इट डिफरेंस डिफरेंस इन द फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, ये आगे हमने आपको पांचों पॉइंट बता दिया, हमने आपको पांचों पॉइंट लिखवा दिया। ठीक है, इसको नोट करिए। अगला बढ़ेंगे ऑस्मोसिस की तरफ, इसको नोट करेंगे। अगला बढ़ेंगे हम लोग ऑस्मोसिस की तरफ। ठीक है, अब देखिए क्या है ऑस्मोसिस। ना एक ग्रीक वर्ड है जो ऑस्मो से बना है, जिसका मतलब है टू पुश। ठीक है, जिसका मतलब है टू पुश। चलिए ऑस्मोसिस का मतलब देखिए, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस को, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सोल्यूट एक सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है, उस सोल्यूशन का अगर सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करे, उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अच्छा देखिए, इसको डिफाइंड कैसे कह सकते हैं, ऑस्मोसिस मे बी डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइट और फॉर्म अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। बोल रहा है कि सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, एक स्पॉन्टेनियस फ्लो में जाए। ठीक है, और किसके थ्रू जाए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाए, प्योर सब्सटेंस मानी प्योर फॉर्म में रखा है तो किस में जाए, सोल्यूशन साइड पे जाए, या फिर डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन की तरफ जाए। इसी को हम क्या, सॉरी, डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाए। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। चलिए इसको नोट करिए, जल्दी से लिखें ऑस्मोसिस क्या होता है, मिटाएं इसको। चलिए ऑस्मोसिस देखते हैं क्या है, इसका डेफिनेशन लिखा जाए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखेंगे क्या है, फिर शुरू करेंगे। चलिए भैया, हमारा टॉपिक क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है, ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस मे बी डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड और फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेशन सोल्यूशन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस का। ठीक है, जब भी सॉल्वेंट किसी लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाए, ऑस्मोसिस कहलाएगा। ठीक है,
सेमी पेरिमिलर मेम्ब्रेन के थ्रू जाए, या फिर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूशन पे जाए, सॉल्यूशन साइट पे जाए, उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम बताएंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, क्या बताएंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली टू पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट प्रिवेंट पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर नोन एज सॉरी प्रिवेंट पासेज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल आर नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा पहाड़ चीज़ नहीं है, ठीक है, छोटा सा है। इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। चलिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, द मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली टू पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बट प्रिवेंट पासेज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एग्जाम्पल लिखेंगे, पिक्स ब्लैडर पैरचमेंट पेपर एसेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है एक दो। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया, हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसके बाद है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। ठीक है, ये पढ़ना है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चार टॉपिक, तीन टॉपिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन चार, रिवर्स ऑस्मोसिस पाँच, एबनॉर्मल मोलर मास छः, डिसोसिएशन एसोसिएशन वॉन्ट ऑफ फैक्टर और कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए, इसको नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।